एनटीएसी एंड फाउंडेशन संडे अच्छा रहा होगा अभी तक आप लोगों का, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारी जो फाउंडेशन की टीम है वो कंप्लीट हो चुकी है। संस्कार सर हूँ, ठीक है, प्रशांत सर हूँ, राहुल सर, हिमांशु सर, ठीक है सर, फैकल्टीज जो हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। ओके सब फैकल्टीज, तो सब फैकल्टीज से आप भली भांति रूबरू हो चुके हैं, सब वीडियोस ले रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों का ये वो मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपन मेंटी क्विज। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरे बारे में, ठीक है। माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने बीटेक किया है और अभी तक 20+ एनटीएससी स्कॉलर को मेंटर किया है। 6+ ईयर का मेरे का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप अनअकेडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है ESSIRLI, यूज का आप यूज कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको अनअकेडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आप काफ़ी बार सुन भी चुके हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से फैकल्टी जहाँ पे पढ़ा रही है आप लोगों को, ठीक है। लाइव क्लासेज होती है, लाइव क्विजेज वगैरह होती है और स्पेसिफिक, हाँ बिल्कुल बेटा, 4 बजे से पहले फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। ओनली 15 क्वेश्चन आर देयर, ठीक है। मुझे पता है 4 o'clock आपका पीजे सर का भी क्विज है, ठीक है, तो टेंशन मत कीजिए, 4 o'clock से पहले पहले मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, भले वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे वो एनटीएससी के लिए हो, चाहे फिर पीआरएमओ के लिए हो, चाहे वो एनएससीजेएस के लिए हो, ठीक है। ओके तो सबसे पहले बच्चा आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, ठीक है। देन उसके बाद अपना जो गोल है वो सेट करना है, फाउंडेशन है एनटीएससी, देन ठीक है गोल को सेट करेंगे तो आपके पास काफी सारे प्लान आपके सामने दिखाई देंगे, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month। मैं रिकमेंड करूंगा ये प्लान उन बच्चों के लिए जो 9th to 10th मूविंग है और ये उन बच्चों के लिए जो 8th to 9th मूविंग है, ठीक है। ऊपर से अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि है ASSIRLIV, बेटा अभी जस्ट अभी दे रहा हूँ, ठीक है, उसका अगर यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन आप प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग काफी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन मेंटी क्विज। आपका जो कोड है 2667555 आप यूज कर लीजिएगा, 2667555 कोड है। हेलो सानिध्य, हाउ आर यू, 2667555 कोड है, आप इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट ज्वाइन कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती होंगी, हर प्रॉब्लम हर बच्चे को आती होगी, बट यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल रहेगा, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हैं टोटल, 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं बेटा, कॉन्टेक्ट नंबर मैं बाद में दे दूंगा। ओके 19 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो बिल्कुल बिल्कुल आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं आपको, फटाक से आप ज्वाइन कर लीजिए। कोड इज 2667555, 2667555। ओके 22 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, 22 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपन क्विज जो है, ठीक है। लीजिए पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, ठीक है। फास्टेस्ट, बेटा नंबर मैं आपको दे दूंगा, नंबर मैं आपको दे दूंगा। एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, ठीक है। टाइमिंग मैंने बहुत कम रखा है इस प्रॉब्लम के लिए, फटाक से। ओके ग्रेट, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, 17 सही आंसर है, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है ध्यान रखिएगा, 10th क्लास का जो पहला चैप्टर उसी के अंदर आपको दिया हुआ है कि एन स्क्वायर माइनस वन हमेशा 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हर 3 क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 पे पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू √27। 3 पे पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू √27। देन द वैल्यू ऑफ वाई,
60 सेकंड का टाइम आपके पास, फटाफट कीजिए। फिफ्टीन आंसर कर चुके हैं, 16। बेटा आंसर यहां पे मत डालिए, आप मेंटी क्विज ज्वाइन कीजिए, menti.com पे जाइए और कोड यूज कीजिए 266755। बेटा ये लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम बनता है। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम था। ओके, फिर भी काफी बच्चों ने गलत किया, 9 to 11 12 स्टूडेंट्स ने गलत किया है, अप्रोक्स 50% लोगों ने गलत किया है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनेगा वहां पे, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला, अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 11 24। शिल्पा बेटा यहां पे आंसर मत दो, कोई बात नहीं बेटा, अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। तीन ही प्रॉब्लम हुई है, थर्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, टाइम अप होने को है। एलसीएम कैलकुलेट करना होगा फटाक से, देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया। क्या बात है, 15 स्टूडेंट ने अच्छा आंसर किया। ठीक है, बट फिर भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो आंसर गलत टिक कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने 6 9 and 1 भी टिक, 6 स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन टिक किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको 8 11 and 24 जो था, 8 11 and 24 था, उसका एलसीएम लेना था, देन उसके बाद उसमें प्लस 5 कर देना था। ठीक है, अगला, अब लीडर बोर्ड है। ठीक है, तो देख सकते हो, ओह माय गॉड, जुबिन टॉप पे चल रहा है, ए बी सी डी सेकेंड रैंक है, एंड जुबिन इज द फास्टेस्ट। ठीक है, एंड स्पर्स सेकेंड लास्ट है, सार्थक टॉप 10 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन फटाफट से कीजिएगा। हर तीन क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड होगा, हर तीन प्रॉब्लम के बाद लीडर बोर्ड होगा। ओके, जुबिन कॉलेज में है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, फटाफट से आंसर आना चाहिए इसका। टाइम अप। ओ माय गॉड, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, एक बच्चे ने आंसर सही दिया है। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बता सकता है किस बच्चे ने आंसर सही किया, ये वाला डी ऑप्शन जो है, किस बच्चे ने सही किया है, कोई बता सकता है मुझे किस बच्चे ने ये आंसर सही किया, टिक किया है? ओके, वेरी गुड बेटा, ध्यान रखिएगा जो प्रॉब्लम थी इसको आप वीडियो को प्रीवियस करके देखिएगा। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। मैंने यहाँ पे एचसीएफ 15 दिया था, एलसीएम 190 दिया था। ये छोटी छोटी चीजें, आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ नंबर लगा दिया, आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ नंबर लगा दिया, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मुझे पता था आप लोग ये गलती करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, आंसर डी होगा सही है। एक बार आप वापस प्रॉब्लम को देखिएगा बाद में। 2 + √3 and 2 - √3 आर द जीरोज ऑफ पी पे पावर 4 - 6p³ +132p - 26p² - 35, देन द अदर टू जीरोज आर, देन द अदर टू जीरोज आर। ओके,
22 बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, 23, क्या बात है, वेरी गुड। हेलो हेमंता मुखर्जी, हेलो। देखो इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फटाक से कीजिए। 32 बच्चे आंसर कर चुके हैं। 3, 2, 1। बेटा फाइट मत कीजिए चैट के अंदर। टाइम्स अप। काफी क्लोज फाइट था। ठीक है, चलो मैं इसका एक बार सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूं। ये आपको जो दिया हुआ था 2+√3 and 2-√3 दिया हुआ था, 2+√3 and 2-√3, इसके ऑलरेडी दो रूट्स दे रखे थे। मान लेते हैं दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, क्या मान लेते हैं दो रूट्स रिमेनिंग जो है वो अल्फा एंड बीटा है। आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2√3 प्लस 2-√3, उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो यहां पे -6 की जगह +6 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा जो दो रूट रिमेनिंग है उन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं यहां पे सिंप्लीफाई करता और ऑप्शंस में देखता तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ए ही दिखाई था, ऑप्शन ए ही जो था मेरा राइट था। ठीक है, ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी देन एनथ टर्म विल बी, देन एनथ टर्म विल बी 2n² + 5n प्लस, देन एनथ टर्म विल बी, अगर किसी ने पहले लेक्चर फॉलो किया हो तो उसके लिए बहुत आसान होगा ये आइडेंटिफाई करना। हाँ बेटा इजी है क्वेश्चंस, बहुत इजी है। ऑप्शन सी काफी बच्चों का सही है। ध्यान रखना अगर सम ऑफ एन टर्म आपको दिया हुआ हो, सम ऑफ एन टर्म अगर आपको दिया हुआ हो तो एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा उसका डबल आपका कॉमन डिफरेंस होगा, उसका डबल क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, और सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा आपका इनिशियल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, लीडर बोर्ड देख लेते हैं इस बार कौन सामने आया है। ओके जुबिन अगेन सामने है, ओके ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, सेकेंड रैंक पे है शशि, थर्ड रैंक पे है सत्यम एंड पवी, फोर्थ रैंक पे एबीसीडी, फिफ्थ रैंक पे बलवान सार्थक एंड बुल पॉप एंड पवी, पवी से दो हैं। ठीक है, अगला सही है जुबिन, हैज इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स, कंडीशन लगानी है, फटाक से कीजिए। 11, 14, 15 बेटा टफ से कोई फायदा नहीं है अभी। यहां पे आंसर मत डालिए बेटा, प्रनील पटेल 34 बच्चे आंसर कर चुके हैं। ओके आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चों ने जिसने भी आंसर ए और डी टिक किया वो एक चीज सुनिएगा, अगर रूट्स इक्वल है,
अगर रूट्स इक्वल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी अपॉन ए, सी अपॉन ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और सी का वैल्यू आपको ऑलरेडी नेगेटिव था तो के का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आंसर अगर तुक्का मारने है तो बी एंड सी में देखिएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर सी टिक किया वैसे तो, बट जिन्होंने ए किया है तो साइन में थोड़ी सी मिस्टेक की है, वो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला फटाक से, अगर आपको टफ क्वेश्चन चाहिए तो कल भी एक मेंटी क्विज है इवनिंग के अंदर मेरा, उसमें मैं डेफिनेटली थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम डालूंगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं यहाँ पे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। टू वन टाइम अप। बेटा इजी है फिर भी 10 लोगों ने गलत किया है, इजी है फिर भी लोगों ने 10 लोगों ने गलत किया है। ठीक है, 2.8 इज द राइट आंसर, 2.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ बेटा वही डाले हैं मैंने आज के क्वेश्चंस, आप ध्यान से देख सकते हो मैंने वही क्वेश्चंस डाले हैं जो आप लोगों के काम आ सकते हैं 12th मार्च को, ठीक है। आफ्टर 12th मार्च अपन एनटीएससी स्टेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम शायद क्लियर दिख रही होगी, AB 16, BC 12, AC 6 है। हेलो आर्यन बेटा, जेडब्ल्यू स्टैंडर्ड के अपन 12th मार्च के बाद करेंगे, अभी 10th बोर्ड हो जाने दो, ठीक है। हेमंता मुखर्जी टाइम्स अप, ये क्या था, 24, 2/3 लोगों ने गलत आंसर दिया है, 66% लोगों ने आंसर गलत दिया है, 66% लोगों ने आंसर गलत दिया है। चलो अपन लेटर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। ओके ओके वेरी गुड, जुबिन एक तरफा राज कर रहा है, एक तरफा राज कर रहा है, ठीक है। पवि सेकंड, जो लास्ट वाला पवि था वो अभी सेकंड पे आ चुका है। जन शशि, सत्यम, ABCD, सार्थक, बलवान, ओके स्पर्श, ईगल राइडर, बुल पॉप, ठीक है। नेक्स्ट वन, बेटा ऐसे नाम लाते हैं कहां से आप लोग, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा, टाइम होने वाला है, टाइम्स अप नाउ।
कौन है जो गलत आंसर कर रहे हैं, इतने इजी है बेटा, हवा क्वेश्चन है। फिर भी देखिए 8, 7, 15, तो 17 लोगों ने गलत आंसर दिया है, 17 लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है ए बेटा, क्या नाम है, रसीद ढूंढे। बिल्कुल मैं इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है, बट अभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है 4 बजे पीजे सर का भी क्विज है। ठीक है, अपन इवनिंग के स्लॉट में इसको अब एक बार अपन डिस्कस करेंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं इवनिंग के स्लॉट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फटाक से कीजिए। बेटा शाम के स्लॉट के अंदर 10 o'clock, 10 o'clock। टाइम्स अप, ऐसा क्यों हुआ? हाँ एनटीएससी होगा, प्लस पे होगा, जरूर होगा, जल्दी होगा। ठीक है आंसर इज डी। ठीक है ध्यान रखना कि वहां पे R1 + R2 का वैल्यू गिवन था, R1 + R3 का वैल्यू गिवन था, और R2 + R3 का वैल्यू गिवन था। तीनों को ऐड कर दोगे तो R1 + R2 + R3 आ जाएगा। ठीक है अब बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो, बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो, जो भी इन ईजी है, बट फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं। 1 cos² θ = 3 sin θ cos θ, देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। हेमलता मुखर्जी, एक काम करते हैं 12th of March को रात को 10 बजे मैं मेंटी रखता हूं। ठीक है अच्छे क्वेश्चंस होंगे, टफ क्वेश्चंस अपन देंगे। ठीक है 12th of March जिस दिन बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा बच्चों का मैथ्स का, रात के 10 बजे का जो स्लॉट होगा मेरा, उस दिन अच्छे लेवल की मैं मेंटी क्विज कंडक्ट यहां पे करवाऊंगा। चौबीस बच्चों ने आंसर दिया है, 26, 28, 30, 31, 32। सिर्फ 10 सेकेंड बचे हैं, 8। थ्री टू वन, ओके देखते हैं। ओके काफी क्लोज था, काफी क्लोज था, काफी बच्चों ने आंसर गलत दिया। ध्यान रखना इसको सिर्फ sin² θ से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, इसको sin² θ से डिवाइड कर दो, cot² θ के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देन उसको सिंप्लीफाई कर लेना, देन उसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है एक बार लीडर बोर्ड, आई थिंक ये लास्ट प्रॉब्लम थी वैसे भी। ओके एक तरफा रहा जुबिन का, ये काफी ज्यादा गैप है। ओके स्पर्श सेकंड नंबर पे आया, स्पर्श इज ऑन नंबर 2। ठीक है आगे देखते हैं, लास्ट 3 प्रॉब्लम्स है शायद, लास्ट 3 प्रॉब्लम्स। बेटा menti.com ओपन करो, सुमित अग्रवाल menti.com ओपन करो।
साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, ओके सुमित मैं आपको बाद में बताता हूं, अभी नेक्स्ट टाइम से आप जरूर खेलना इसको, ठीक है? अभी तो लास्ट की दो प्रॉब्लम बची हुई है। फिफ्टीन सेकेंड हिमेश, यहां पे आंसर मत करो, थ्री टू वन, आंसर इज डी इज द राइट आंसर, ठीक है? थ्री फोर फाइव है, हाफ इंटू थ्री इंटू फोर, थ्री एक्स इंटू फोर एक्स इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, देन सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है? सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, बहुत इजी है, जो जो बच्चे टेंथ एनटीएस स्टेज वन क्लियर हुए हैं, ध्यान रखना 24 मार्च से स्टेज टू की क्लासेस लगेंगी, ठीक है? जिसमें मैट के हम मेंटी क्विज लेंगे डे बाय डे, बेटा हिमेश व्यूज मैंने मैथ्स के वीडियोस इतने डाले ही नहीं है एनटीएससी के लिए, मैं मैट के लिए हूं यहां पे मोस्टली, तो ठीक है? ए बी सी डी, आंसर इज सी, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक तरफ कोस स्क्वायर थीटा होगा, एक तरफ कोट स्क्वायर थीटा होगा, डिवाइड करोगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, स्टेज टू का प्लस के ऊपर ही होगा एनटीएससी का, सॉरी यूट्यूब पर ही होगा एनटीएससी का, ठीक है? अगला, सेकंड लेवल का यूट्यूब पर ही होगा पूरा, ठीक है? फटाक से कीजिए इसको, नैनो सेकेंड लगेगा, फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करेंगे, तीन आइडेंटिटी लगाओ आंसर पाओ, ओके? बी ई है पक्का? नहीं, बिहार से नहीं हूं बेटा, मैं राजस्थान से ही हूं, आई गॉट सी, ओके? डी बेटा, आंसर यहां डिस्कस मत करो, बस लास्ट है बेटा, लास्ट प्रॉब्लम है ये, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, देखा मैंने बोला था 21 स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है, ठीक है? ओके,
तो फाइनल लीडर बोर्ड अपन देख लेते हैं एक बार। जुबीन हमेशा की तरह टॉप ही कर रहा है। सत्यम लर्नर ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जुबीन। ठीक है, तो अभी पीजे सर के सेशन पे जाइए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अपन कल रात को। ओके बाय। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है ASSIRLIV, उसको आप यूज करते हैं तो इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग।